मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम ओजी नाम के एक क्यूट डॉग को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था और उसे एक कपल ने अडॉप्ट कर रखा था जिसका नाम टेड और सुजेन था और उनकी एक पौला नाम की बेटी भी थी। ओजी अपने आस पड़ोस के सारे डॉग से काफी ज्यादा घुला मिला था लेकिन वहाँ के सारे डॉग एक न्यूज पेपर डिलीवरी बॉय से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक खतरनाक डॉग को लेके आता था और हर सुबह वो डॉग वहाँ के सारे डॉग्स को परेशान किया करता था। पौला के साथ ओजी काफी ज्यादा घुला मिला था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। एक दिन गार्डन के अंदर पौला और ओजी खेल रहे थे लेकिन इन दोनों की गलती की वजह से उनके पड़ोसी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और जब टेड इन चीजों को देखता है तो उसे इनके पैसे चुकाने पड़ते हैं जिस वजह से पौला के मॉम डैड उसके घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा देते हैं और इस बात का बुरा पौला से ज्यादा ओजी को लगता है क्योंकि वो पौला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। उसके बाद वो किसी तरीके से पौला को मनाने की कोशिश करता है और पौला भी उसकी बात मान लेती है और किसी तरह पौला अपने मॉम डैड से बच के घर से बाहर निकल जाती है जिसके बाद ओजी और पौला आपस में रेस लगाते हैं लेकिन स्केटिंग करते वक्त पौला गलती से गिर जाती है और वापस चुपचाप घर आने पे उसकी मॉम उसे देख लेती है लेकिन तभी टेड पौला की बात को मजाक में लेके उसे वहाँ पे बचा लेता है। अगली सुबह टेड जब अपने मेल बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने उसे एक महीने के लिए जैपनीज ट्रिप ऑफर की है जिसे सुनने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन एम्बेसी के अकॉर्डिंग इन्हें पता चलता है कि ये लोग डॉग को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते जिस वजह से टेड अपने सारे दोस्तों को फोन करके ओजी को अपने पास रखने के लिए बोलता है लेकिन उसके सारे दोस्त इसके लिए उसे मना कर देते हैं। उसके बाद रात में ये लोग साथ में टीवी देख रहे थे जहां इन्हें ब्लू क्रिक नाम का एक एड दिखता है जो कि किसी भी ओनर के टेम्परेरी डॉग रखने के लिए बनाया गया था जहाँ लोग अपने डॉग को कुछ समय या कुछ महीनों के लिए छोड़ सकते थे जिस वजह से टेड और सुजेन ओजी को एक महीने के लिए वहाँ छोड़ने का सोचते हैं लेकिन ओजी वहाँ पे नहीं जाना चाहता था जिस वजह से वो बाहर भागने लगता है लेकिन किसी तरीके से टेड और सुजेन ओजी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के उस होटल में ले जाते हैं। वहाँ पहुँच के टेड रॉबिन्सन नाम के एक आदमी से मिलता है जो वहाँ का ओनर था। वहाँ रॉबिन्सन टेड से कहता है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज की टेंशन मत लो, हम डॉग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रखते हैं। और वहाँ का माहौल देखने के बाद टेड और सुजेन को भी वहाँ का माहौल ठीक लगता है और वो लोग वहाँ पे पेमेंट करके और ओजी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाते के साथ ही रॉबिन्सन अपनी औकात दिखा देता है क्योंकि जो माहौल वहाँ पे टेड और सुजेन ने देखा था वो सब कुछ एक दिखावा था। उसके बाद ओजी को एक गाड़ी में डाल दिया जाता है जिसमें पहले से ही और भी डॉग्स थे और उसके बाद उन्हें एक डॉग खाने में ले जाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कवर था। तब रॉबिन्सन वहाँ से कुछ सामान लेता है और वहाँ पे वो सारे डॉग्स को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब ओजी भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में फेल हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे एक खतरनाक डॉग आता है और वो ओजी को अपने साथ वर्डन के पास ले जाता है और उस बड़े डॉग का नाम ग्रंट था। वहाँ पहुँचने के बाद ओजी उसे अपनी सारी बातें बताता है और वो उसे ये भी कहता है कि मैं यहाँ पे गलती से आया हूँ लेकिन ग्रंट उसके गले से पट्टा निकाल लेता है और बाकी डॉग्स की तरह भी उसे भी वहाँ पे नंबर मिल जाता है। ओजी ये सारी बातें मानना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में उसे सारी बातें माननी पड़ती है। उसके बाद डेकर उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डॉग्स थे। तब डेकर ओजी को एक जेल के अंदर बंद कर देता है और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे कोई भी होशियारी मत दिखाना और उसी जेल वाले रूम के अंदर ओजी को फ्रोंकी नाम का एक दूसरा डॉग मिलता है और वो ओजी से काफी सारी बातें करने लगता है जहाँ ओजी उससे कहता है कि बस एक महीने की बात है, उसके बाद मेरा मालिक यहाँ से मुझे ले जाएगा। जिसपे फ्रोंकी हंसते हुए ओजी को कहता है कि ये तुम्हारी एक गलत फहमी है क्योंकि शुरू शुरू में यहाँ आने वाले सारे डॉग्स को पहले यही लगता था लेकिन आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया है और जल्द ही तुम्हें इस बात के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन ओजी को फ्रोंकी की बातों पे यकीन नहीं होता और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तेज अलार्म बजने की वजह से सारे डॉग्स वहाँ पे जग जाते हैं और वहाँ के गार्ड डॉग सारे डॉग्स को अपने साथ उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। तब वहाँ पे ओजी को पता चलता है कि यहाँ पे सारे डॉग्स को लेबर की तरह काम करना पड़ता है। तब वहाँ पे ओजी को कलर प्लेट मैनेज करने का काम दिया जाता है लेकिन वो वहाँ पे सारा काम बिगाड़ देता है जिस वजह से ओजी को पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद सारे डॉग्स खाना खाने के लिए जाते हैं लेकिन ओजी को कोई भी अपने पास बैठने के लिए नहीं दे रहा था। तब वहाँ पे फ्रोंकी चेस्टर नाम के डॉग से ओजी को बैठाने के लिए बोलता है और इधर फ्रोंकी भी एक माइक नाम के डॉग्स के पास बैठा हुआ था जिसके बाद ये चारों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। लंच खत्म होने के बाद चेस्टर ओजी को समझाता है कि तुम्हें अपने मालिक के वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ के सारे डॉग्स ने ये सब कुछ पहले ही झेल रखा है। उस जेल के अंदर बीटो नाम का एक डॉग भी था जिसकी सारे डॉग्स बहुत ज्यादा इज्जत करते थे लेकिन जब ओजी उसे देखता है तो उसे देख के उसे हंसी आने लगती है जिसे देखने के बाद बीटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो उसे माफ कर देता है। अगली सुबह जब ओजी उठता है तो
उसे पता चलता है कि फ्रोंकी जेल से भाग गया है, जिसके बारे में वो माइक को जाके बताता है। लेकिन तभी फ्रोंकी को पकड़ के वापस ले जाया जाता है, जिसके बाद फ्रोंकी इन लोगों से कहता है कि मैं पहले भी यहाँ से भागने की काफी ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ और तुम लोग देखना एक दिन मैं यहाँ से जरूर भागूंगा। तभी इनके पास एक डॉग आके इनसे बोलता है कि तुम्हें बीटो ने बुलाया है, और ये सुनने के बाद ओजी काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद बीटो ओजी से कहता है कि तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम रेस में काफी ज्यादा होशियार होगे, पर ओजी उसे इस बारे में साफ मना कर देता है। तब बीटो ओजी को एक फ्लैश नाम के डॉग से मिलवाता है जो बीटो की टीम का रनर था, लेकिन पिछली बार रेस हारने की वजह से वो जीतने की उम्मीद छोड़ चुका था। तब बीटो ओजी से कहता है कि तुम्हें इससे रेस करना होगा और रेस करने के बाद तुम्हें इसके सामने हारना होगा, जिससे रेस करने के लिए इसका हौसला बढ़ सके। जिसपे ओजी भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों आपस में रेस करते हैं, लेकिन ओजी बताई हुई बात को भूल के उस रेस को जीत जाता है, जिसे देखने के बाद बीटो फ्लैश को अपने रेस चैंपियन मेंबर में से निकाल देता है और वो न्यू मेंबर के रूप में ओजी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और इन सब के लिए वो ओजी को काफी ज्यादा लालच भी देता है। लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए ओजी उससे समय मांगता है, जिसपे बीटो उसे पूरे एक दिन का समय देता है, जिसपे ओजी ये सारी बातें अपने दोस्तों को जाके बताता है। तब उसे दोस्तों में से चेस्टर कहता है कि तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर तुम्हारी कोई भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो ये लोग तुम पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बीटो भी आ जाता है और ओजी उसके सामने जाके उसे साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद बीटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद उसके टीम मेंबर ओजी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक दिन ओजी उनसे बच के भागते हुए ग्रंट से टकरा जाता है और पूछे जाने पे वो ग्रंट को अपनी सारी सच्चाई बता देता है, जिसपे ग्रंट ओजी से कहता है कि तुम बीटो की बात मान लो और तुम रेस में जानबूझ के हार जाना ताकि मेरा प्लेयर जीत सके। दरअसल बीटो और ग्रंट के बीच में 36 का आंकड़ा था और वो दोनों अपने रेपुटेशन के लिए वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करवाते थे, जिसपे ग्रंट चाहता था कि ओजी जानबूझ के इस रेस को हार के ग्रंट की टीम को जिता दे, जिसपे ओजी ग्रंट से कहता है कि अगर मैं इस रेस को हारा तो बीटो मुझे नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से ओजी की दोनों तरफ से धुलाई हो जाती है और जेल के अंदर उसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है और उसके दोस्तों को उसकी मदद करने की वजह से उसे भी सजा दिया जाता है। ये देखने के बाद ओजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सब लोगों से कहता है कि जब मेरे मालिक मुझे छुड़ाने के लिए आएंगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तब उसे यहाँ पे कैलेंडर देखने से पता चलता है कि उसको यहाँ पे एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है। दरअसल दूसरी तरफ जब टेड और सुजैन ओजी को वापस लेने के लिए आए थे, तब रॉबिन्सन ने उसे कहा था कि डॉग फ्लू होने की वजह से ओजी की डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद टेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कर भी क्या सकता था, और ये सब सुनने के बाद उन्हें घर वापस जाना पड़ता है। इधर हम ओजी को देख पाते हैं जो दोनों की बात मान के रेस के लिए हाँ कर देता है, और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वो इस रेस को जीता तो ग्रंट उसे नहीं छोड़ेगा और अगर वो इस रेस को हारा तो बीटो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो प्लान बनाता है कि इसी बीच वो अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वहाँ से भागने के लिए उन्हें ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, जिसपे फ्रोंकी उनसे बोलता है कि हमें ग्रंट के ऑफिस में ब्लूप्रिंट मिल सकता है, जिसकी चाबी चेस्टर के पास थी, और वो लोग ग्रंट के बाहर जाते ही उसके ऑफिस में जाके ब्लूप्रिंट ले लेते हैं और ब्लूप्रिंट की मदद से वो लोग अंडरग्राउंड वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ओजी भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इनका रेस कॉम्पिटिशन होना था और आज के दिन ही ओजी का यहाँ से भागने का भी प्लान था। भागने का प्लान चेस्टर को ठीक नहीं लगता, लेकिन दोस्तों की बातों पे वो भी उसकी बात मान लेता है। उसके बाद मैदान में ग्रंट के चैंपियन और ओजी के बीच में रेस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से ग्राउंड की लाइट वहाँ पे चली जाती है और लाइट वापस आने पे इन सब लोगों को पता चलता है कि ओजी अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ से भाग चुका है, जिस वजह से सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। और ओजी के कमरे में जाने के बाद बीटो को उनका एक सुराग मिल जाता है। इधर ओजी के सारे दोस्त उस बॉक्स में पैक हो चुके थे, जिससे रॉबिन्सन बिल्कुल अनजान था, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत तेज अलार्म बजता है और उन सारे डॉग्स को पकड़ लिया जाता है। तब ओजी के सारे दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ग्रंट ओजी को अपने पास बुलाता है। वहाँ ग्रंट ओजी को सजा देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे ओजी अपनी फुर्ती दिखाता है और वो ग्रंट के साथ उसके असिस्टेंट को भी कमरे में बंद कर देता है और वो अनाउंसमेंट रूम में जाने के बाद सारे डॉग्स को स्पीच देने लगता है और वो सारे डॉग्स को याद दिलाता है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि यहाँ सालों से रहने की वजह से वो सारे डॉग्स अपनी पहचान भूल चुके थे। और वो ग्रंट के अलमारी से उन सारे डॉग्स के नेक बैंड निकाल के उनके सामने फेंक देता है, जिसे देखने के बाद सारे डॉग्स को याद आने लगता है कि कभी वो भी अपने मालिक के पालतू हुआ करते थे। जिसे देखने के बाद बीटो को भी रियलाइज होता है और वो सबसे कहता है कि ओजी ठीक कह रहा है, और बीटो सारे डॉग्स से कहता है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। तब वहाँ पे डेकर ओजी को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन ओजी वहाँ से भागने के बाद अपने दोस्तों को बचाने लगता है। और इधर बहुत सारे डॉग ने रॉबिन्सन और डोमिनो को घेर लिया था
था, लेकिन वहाँ पे डोमिनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर चला जाता है और सारे डॉग रॉबिन्सन को लेके अपने साथ अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ पे डोमिनी अपनी गाड़ी के लेके वहाँ से बाहर भाग रहा था और ओजी और उसके सारे दोस्त उस गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के बाकी डॉग्स भी फ्री हो चुके थे। घर वापस जाने से पहले ओजी माइक को उसके अपने मालिक से मिलवा देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम फ्रॉन्की को देखते हैं और वो भी अपने ओनर के पास चला जाता है, लेकिन चेस्टर का कोई ओनर नहीं था, जिस वजह से ओजी उसे अपने साथ ले जाता है। और ओजी को दोबारा देख के टेड, सुजन और पोला खुशी से झूम उठते हैं, जिसके बाद ओजी उन्हें अपने नए दोस्त चेस्टर से मिलवाता है, जिस वजह से वो फैमिली चेस्टर को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और न्यूज देखने पे इन्हें पता चलता है कि रॉबिन्सन की डॉग इलीगल एक्टिविटी की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 20 साल के लिए जेल हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सारे डॉग को उनके मालिक के पास पहुंचा दिया है। उसके बाद हम लास्ट सीन में ओजी को देखते हैं जो अपने पड़ोस के सारे डॉग से मिल जाता है और वो सब मिलके उस न्यूज डिलीवरी बॉय और उसके डॉग को कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं, जिस वजह से साथ होने की वजह से वो सब मिलके उसे मजा चखा देते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।